अज सुमिरन करिके जगदम्बा को और ले बजरंग बलिया को नाम सुमिरे मैया फादिलपुर की उसर लई ती समाधि लगाई और सुमिरन करके गायत्री को सीता सावित्री को शरणाए पूज्य गुरु आधार चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाई और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जोर पार लगायो बजरंगी हर के संगी जंगी गदा हाथ हर बारी और सुमिरे सीतला में न पुरी की नदी आई सन के मैदानी और उत्तर ओरी जमैनपुरी के सुंदर भवन लौरी बनवाई हम सुमरे जखैया पेड़ तो पालो कहियर पेड़ बरगधा क्यारी माह महीना तीर पूनो को मेला भारी ले तलगाई और भोला सुमिरत झारखंड के बैठे पूरा बलिय में जाए राठौर के सीट की नैया को भोला खेई लगाइयो पारी दुर्गे आवेगी राठौर मेरी और लड़ेगी दुर्गे आवेगी राठौर मेरी और लड़ेगी माला फूलन की राठौर त्यारे गले पड़ेगी माला दुर्गे राठौर के शीट के माध्यम से आल्हा में एक नवीन प्रोग्राम उदल का विवाह किस तरह से ये मोहरमगढ़ में संग्राम हुआ जिसमें जिंदगी और मौत का दाव लगाकर महोवे वाले जवानों ने मकरंद और मोतीमल को नीचा दिखाया और किस तरह से अपनी जीत करके फुलवा की डोली महोवे मिलाए आज 12 बरस के उदल हुई गए सोले के भयते वीर मलखान भयते 18 के नुनियाला जिनकी जग जाहे रकिरपान लगी थी 12वीं जब उदल की तब मारो पे हा
दे निशाने और टंगिया खोपड़िया ती बरगद पैसो बबुला की लई थी उतारी को सब घर दो माड़ो की खोदी पक्को ताल दो तो बनवाए और सूर बरोबरी को नहीं छोड़ो जो कर समर पार कढ़ जाए और से तब बंधयर रामेश्वर लो बाजी पीटा पबे नुला क्यारी और छोटो पूता याद देवे को बहुत सपुरवा मेरे तैयारी कह कह बेंदुला को सजवाए के उरही में खेलन चलो शिकारी और पांचो कपड़ा ना को पहनो है पांचो बांध लए ते हथियारी और चटके घोड़ा ददके घोड़ा घोड़ा ददकी ददकी रह जाई और उरही बाली अब डांगन में खेलत जा तो बना फर लाली और दुनिया जानती है माहिल को जो परिहार गुटैया टारी और बाज बेंदुला को देखो है और उदल को लो निहारी और राम जोहार भैया पुष में जो कछु राजन के व्यवहार और बहिया गह के अब उदल की बोले उरही के सरदार धीरे धीरे माहिल बोले बेटा सुनो बना फरलाल और कैसे आए हो उरही में ओ लोहरे देव कुंवर के लाल तब हंस के उदल बोलन लागे मामा पन्या परे तुम्हारे लगी आसरो तो महुबे में केउ रही में खेल शिकार सुन ले अर्ज हमारी और कित से अनुभव तुम्हारो डोकर उरही के परिहार हंस के माहिल बोलन लागे सुनियो देव कुंवर के लाल हम लौटे हैं गढ़ मोहरम से जहाँ पे मोती मल सरदार को बतलावे ओ एक बात तुमको बतलावे लोहरे देव कुंवर के लाल सुता कुआरी मोती मल की फूल बाबा को नाम कहाए पांच फूल की तुलने वाली जाको रूप दो करतार तेरी
सूरत और फुलबा की मनु एक सांचे में गड़ी सुनार। खाना को लाए बिहाय और तुम ही कुआरे गढ़ महुवे में का पर गई थी अकल बेगारी। और ढीले बेल से तुम डोलत और राठौर ठोरू कहां से आए और करो तैयारी अब चलवे की मोहरम बांध चलो तलवारी। आँखों में खून के कतरे लेकर उदल बोला मामा शायद तुमने जो शब्द कहे हैं अपनी जबान पर कंट्रोल करो। हम जाकी अटिया ऊंची देखे ताके तो रधा दे तक हसवाए और सुगर लड़की नी जा घर देखे ता घर धरे परो ना जाए। साथ ले डरवाए और बाग बेंदुला की मुरकाई लई महुवे की सीध लगाए। इधर जैसे ही उदल परमाल की सभा में पहुंचा है महुवे के सम्राट परमाल ने इसे उचित आसन पर बिठा लिया। पूछने लगे उदल आज ओठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं। जवाब दिया कुछ नहीं राजन कभी कभी बुद्धि में बौद्रेशन तो आ ही जाता है। नहीं सच बोलो। उदल कहने लगा कुछ बात हो तो बताऊं कुछ बात ही नहीं। एकदम बात को बदलते हुए महोबे के सम्राट परमाल कहने लगे उदल मैंने तुम्हारे लिए काम की तलाश की है क्या तुम कर सकते हो। उदल कहने लगा आप फरमाइए तो राजा परमाल क्या कहने लगे आज भुजा पकड़ दिबला बाले की और बोलन लगते राजा परमाल हंस के उदल सो बोलत है लोहरे देश राज के लाल। और काबुल जाओ खरीदन घोड़ा संग में ज्वान ले सजबाए कट्टर घोड़ा न को ले यो रन में दे तकरारी मारे। और उदल हंस के बोलन लागे चाचा पैया परे तुम्हारे हमें चलन में उजर नहीं है बैठे थे मंडली कयो तार जेठो भैया बाप बरोबर जो मैया आज्ञा दे करवाए हम जावेंगे बाकाबुल को और न घोड़ा न लावे खरीद हंस के आला बोलन लागे। भोजा पकड़ के निज भैया की बोले ते मंडली गयो तार नाइया रावण हुई तुम जन्मे नाही परशुराम अवतार मोकी धार दूध की बेरई लोहरे लागत बंदो हमार
काबुल जाओ खरीदन घोड़ा, बेशक परे विपत्ति को जाल। और हसी बोले परमाल भूप से, और राजा महुवे के सरदार, भार में जाबे जा जो चाकरी, हम उदल को ना भेजबाए। तब रोए के बोले हैं परमाले, और हिलकी बंद गई परमाले की, और जल कोर कोर हुई जाए। हम तक आसरो ते महुवे में समरथ देश राज के लाले। पर मने तुम्हारे में जैसी आवे तैसी करो उदय सिंह लाले। और तोलो माहिलो रही वाले आए गए महुवे के दरबारे। बंद हुई जाए और मालूम पड़ती आज जिया राम है, बजी है काउगढ़ पे तलवारे। और सुनी बत कही जब माहिल ने परमाले ते कही सुनाए, मन के बढ़िया करे बना पर राजा महुवे के सरदारी। न क्या ताकत थी मंडली ककी जो तो दे दे जवाब सुनाए, और अनीक दूल्हारन के मालिक कर दे दे सराज के लारी। महुवे के सरदारी और देश निकारो देवाला को राजा पन्या परे तुम्हारे। और रोए रोए के माहिल बोले और दिल की सब दई सुनाए, और माहिल सोचत है मन अपने कब मिट जाए बना फरलाल। तब बहिया जो कह के और बाऊ दल ने कह दई सुनाए, अरे हम जाबेंगे कगढ़ काबुल को, मनसा पूरण जाकर है तुम्हार। पर कसम तुम्हें है के मेरी परमाले जाने न मंडरेली तार, अरे भेद छिपाए के हम दादा से हुई रहे काबुल को राम तैयार। सोले खेचर के भरी रे असर फी, सो उदल को के दइए गहाए, काबुल जइयो के बाजर लेबे को लोहरे देसरे राज के लाल। देवा बहादुर को संगम कर दो, जवान 500 दए है सजाए, डंका बज गो के आधी रेन पे चल दो दसरे राज को लाल। इधर तो नौजवान उदल
भेबा को साथ में लेकर परमाल का आदेश मानकर काबुल में घोड़ा खरीदने के लिए चला है, मगर रास्ते में इनका विचार बदल गया। ऊदल ने ढेबा की बांह पकड़ी और जवाब दिया, दोस्त हम तुमसे अपने दिल की एक बात कहें। ढेबा कहने लगा, अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? तो ऊदल कहने लगा, सुनो भैया, आज हंस के ऊदल बोलन लागे, ढेबा सुन ले अर्ज हमारे, और मोहरम गढ़ के मैदानन को फेरो बाग बेंदुला क्यार। सुनी है बिटिया मोती मलकी, मैंने सुनी बड़ी सुकुमार, चल के देखे फूलमती को कैसी सुगर पद्मिनी नार। हम मारे पेट कटार, लौट महोबे को ना जाए हैं, दादा साची दई बताए। और ऐसी बानी दुख की सानी, धक्का लगो कलेजा जाए, घोड़ा फेर दे गढ़ मोहरम को, चल दे महुबे के सरदार, मोती मल के फूल बाग में पहुँचो देव कुमार को लाल, फाटक बंद लखो राजा को दरवाजे पे कही सुनाए, रखवाली पे है कोई माली, खोलो फूल बाग को द्वार। सुनके परदेसी की मालिन गई थी बाग ते आए, बढ़िया घोड़ा ते से ही सवारी बैठे आज बाग में जाए, हंस के मालिन बोलन लागी, ओ परदेसी बिरन हमार, बाग जनाना नहीं मर्दाना फेरो असु जो आज पिछार। फूलमती की बिटिया मोती मल सुकुमार, घूमन आबे फूल बाग में, सब सखियन को संग लवाए, तब सोचे उदल मन अपने में, जा तो बन गो काम हमार, हम डट जाबे फूल बाग में और फूलबा को ले निहार। ने और मालिन को दई गहाए, मालिन सोचे मन अपने में, हम सो धनी और कोई ना है, और फाटक खोल दो बगिया को, अंदर गए बना फरलाल। गो बंसा बना फरलाल, फिर पांच असर फी दई ढेबा ने, तू जा बागन से तत्काल। और दाना घास लाबो घोड़न को, हम बगिया में डटे अंगार, और मालिन जानी मन अपने में, होए तो गई गजब की बात।
चिरैया नारायण ने आज बगिया में दैती पठाए। पंद्रह दिन बगिया में रुक गए मौसम धनियों रुकोई नाए। मालिन कहने लगी परदेसी मैं बाजार को तो चली जाऊंगी मगर एक बात है। क्या? जो मोतीमल की लड़की फुलवा है वो नित्य ही पांच फूल से तुलती है और उसकी गर्दन में हमें हार डालने के लिए फूलों का हार भी बनाना है और जब तक मैं बाजार से लौट कर आऊंगी देर हो जाएगी। उगदल कहने लगा तो सुनो तुम जाबो सामान खरीदन हम बाहर को करे तैयार और मालिन चली दई थी बगिया से। अब उदल के सुनो हवाले ओ सवा लाख की जो कलंगी थी सो घोड़ा की लई थी उतारे और दुई दुई हीरा दुई दुई नगय अब बिच बिच फूल के तकी क्या रे। और मालिन को हति हति तो लड़ी आई नने गुहो पचल रहा है और उठी छबरिया जो फूल नकीता में हार धरो दुबकाई। और मालिन लौट आई बगिया में जाको पल पल होती अवारे हार न देखो बा मालिन ने भज के गई थी महल में आई। यार होनी है बलवान बुद्ध ने पलटा खाऊ है भैया होनी है बलवान बुद्ध ने पलटा खाऊ है। आज मालिन चल दई फूल बाग से लई महलन की सीधा लगाए और चटक चुंदरिया लटकत आवे धुतिया दबते पान से जाए और विपत्तिया बरिया सब पे पर गई राठौर सबे सताई दो जाए और विपिता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मा सुर पर पिछारी। सोई भाबई आज दुखिया को और महलन में परी टुराए और सोबे बिटिया मोती मलकी फुलबा अपने पैर पसारे और खींच दुसाला दो मालिन ने और फुलवा को लो जगाए और हार जो लेके उदल बालो फुलवा के दो तो गले में डारे और एक पला में फुलवा बिटिया एक में फूल के तकी क्यारे और पांच फूल की तुलने वाली ता पे चढ़ता ढरैया न जाए। और उठो न पलड़ा जब फुलबा को मालिन गई थी सना को खाए ए तज के फुलबा बोलन लागी चोदी दिए तेरी खाल उड़ाए। हार पे पड़ गई फुलवा कर मल मल पछताए के न कबू लगाओ मकरंदी के घर में धरो खजानो जाए। और के तो नजर लगी अ भैया सो मालिन सुन ले यार जा हमारे और
दुई दू रुपया की नौकर दी कहते धरी असर पी लाए लाख रुपया की संपत्ति है मालिन दई गले में डार बिगड़ गए तब मालिन कहे लीली लार पेट न जाए पर बात बनाए के मालिन बोली बहना पैया पर तुम्हारी और बहन की जियाई मेरे घर आई ब्याही खास महोबे गाम और नाम सुन तखन गढ़ महबे को फुलबा फूली ना समाई और आस लगाए फुलबा बैठी यही है कबे उदय सिंह लाल और बीसों बिसे बरे उदल को ना मेरो जन्म कुआर जाए और कैसी बहनों तिन तेरी है मेरे अंगना में लाओ लिवाई और कैसे बाप की बाप बिटिया है लाखों की संपत्ति दई गहाई तब मालिन बोलती है फुलबा से बहना सांची दी बताई और दुखी महोबे में कोई नानी ना कोई दाव बिरानो खाए और दुई दुई हाथी दस दस घोड़ा सब रैयत के बंधे द्वार पारस पूजा पवन बछेरा घर घर बसत रजा परिमाल सोई बहिया कहलाई तब मालिन की बहना पैया पर तुम्हारे और जल्दी लइए मेरे आंगन में हम देखे निगाह पसारी और मालिन लौटी सत खंडा सहली लिया लार पेट न जाए और होती बहनों तिन ले आती जुआ द मनसु कहां को जाए और डटो कन्हैया दिवला वालो बाई बगिया के मैदानी और मालिन पहुंची फूल बाग में ठाड़े तगिरी तमारो खाई तब बहिया गैलई रन बंकानी और मालिन ते कही सुनाई और कितरी नाम दई फुलवाने मालिन सांची दिए बताए गई तब रोई के मालिन बोलन लागी परदेसी सुनु अर्ज हमारे और धन के लालच में परदेसी मुफत में लई जानी अब डारे हम कॉल करिए अब फुलवा से के बहनों तिन घरे हमारे और होती बिटिया बाले जाती किन आंगन में दे दिखाई इतना ध्यान रखना नौजवानों अभी तक मालिन को ये पता नहीं कि ये उदल महोबे का रहने वाला है मालिन अभी तक यही समझ पाई थी कोई परदेसी है और दौलत के लालच में मालिन ने उसे अपने बाग में टेका लिया था उदल क्या बोला तो तुम फुलबा से ये वादा करके आई हूँ कि हम बहनों तुमको आंगन में लाएंगे मालिन बोली हाँ उदल कहने लगा सुनो और जो सामान हो तो तिरियन के सब ले आओ अरे सिंगार
हम अपन बहनों तिन जाए महलन में मालिन सुन ले अर्ज हमारी। और फुलवा प्यारी के देखन हो तो उदल बने मनुष्य ते नारी। भैया ओ मेरे राठौर प्रीत की रीत निराली है। आप मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही उदल ने ये जवाब दिया है, मालिन उसी वक्त बाग से चली और जोर तो का श्रृंगार करने के लिए जितना सामान था सब लाकर उसने बाग में रख दिया। अब उदल कहने लगे, मालिन ऐसो करे हमें पहना और देना, हम ना की चीज पहन पहनन डोले, हम ना कबूंगा औरत बने। तो मालिन उदल को बिठा लेती है और ये श्रृंगार करने लगा औरतों का। आज चंदा सो मुखार बिंद सोवा तो कही ना जाए। देखने में नौजवान सुंदर भी था। चंदा सो मुखार बिंद सोवा तो कही ना जाए। और मृग जैसे नैना देखी खन्यना सरमाए। और काले काले के सजा के नागिनिया से लहराए। और ओठन भी चमालिन ने लाली ज्यादा ही लगाए। और माथे पे जब राम सरण के बिंदिया दीनी लगवाए। कालो कालो काजर राठौर आखिन में जब लगवाए। और ना कछ दिना उदय सिंह की वैसे न थुनिया लई लगाए। और बाहे बरा बाजू बंद सोभे गले में हारू दौर रकाई। आखिर लड़का है राजन कोता पे रूप दो करतारी। और बन के जनान उठाड़ो हुई लोहरो दे बकुंवर को लाली। तब हंस के बोलो ऐ ढेवा से भैया पैया पर तुम्हारी। बताइए उरही वाले कैसे बने मनुष्य ते नारी। और आंखें दबाई बाई उदल ढेवा गिरो तमारो खाई। जैसे उदल का ये नाटक देखा है, आंखों में खून के कतरे लेकर ढेवा बोला, अरे नादान छिदाई बने लुकाई जाही नरवर केर मैदान। का पहा बखोरन में कम हुई गौ का बल खाई गई तलवारी। और छिदी नाक मलखे जब देखे उदल देवे जान सोमारी। और सात साख को बट्टा लगियो लजियो कुटम होवे क्यारी। हम कहे जाए के मंडली कते दई नरवर में ना कछदाई। और मारे कोड़न खाल उड़ावे नामी सिरसा को मलखानी। और बातें सुन के तब ढेवा की लीली लार पेट ना जाए। और हो सब बंद भय अब राठौर के अब झूठौर कहां ते आए।
और जो ढेबा महुबे में कहे मलखे दिए जान सोमार और लय कटारी तब उदल ने और ढेबा ते कही सुनाए और राम राम मेरे मलखे जी सो दादस कहियो आज समारे और हम तो मरते आज नरवर में मटिया गढ़ महुबे में जाए साची जानी तब ढेबा ने मर है देव कुंवर को लाल और भुजा पकड़ लई तब उदल की मर ना जाओ लोहरवा भाई और सोले खिचर भरी सरपी सब मोहरम में रहे लुटाए और पूछे राजा जब परिमाले तब का दियो जवाब सुनाए देवा बोला सुस्ती हो गई उधर कम से कम ये बताओ कि जब परमाल तुम्हें ये पूछेंगे कि घोड़ा भी खरीद कर नहीं लाए दौलत कहां गई बोलो 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 देवा क्यों रोवे मेरे कर्म लिखी सोई होगी भैया क्यों रोवे मेरे कर्म लिखी सोई होगी मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही उदल को जनाना बनाकर मालिन फुलबा के आंगन के लिए लेकर चली है उदल कहने लगा हम ऐसे कतई न जाएं पैदल जाने से कम मेरी इज्जत का सवाल है और उस पर भी तूने हमें स्त्री बना लिया तो अब हम बैठ के जाएं तो डोली में बैठ के जाएं और मालिन की घर जाती सो डोली लेके आई और लला अब डोली में बैठ गई बहू बन के आज चटक चुनरिया पीली घंगरिया बैठो देव कुंवर को लाली और लैया कटारी बूंदी वाली सो फेटा में धरी समारी और महल बिरानो मोती मल को कवघट हुई जाए संग हमारी उदल बैठ गो पीन समय जामे लागे पे आठ कहारी और कछु दूर लो पलकी आई धीमर गए पसीना डार और गिरे फसू कर जब मोह पर तब मालिन ते कई सुनाए और बहुत कतरिया हमने देखी जुहद मन सुदाओ तो बैठारी मालिक कहने लगी लला तुम नहीं जानते जाकि शादी महोबे में भैया ना घर घर दौलत के कोई खजाने को ठिकानो ही नहीं सुजाने अच्छो अच्छो भोजन खाउता से मोटी हो गई मोटो रहने का सदेरो को ठिला जैसो ए मोती मल के दरवाजे पे पीन सपोची लहरवा भाई कई मकरन बेटा मोती मल को टहलत फाटक पे सरदारी लौट उभार दो
पसार सोइया खिदा बिदई ती उदल ने मकर न गिरो तमारो खाई और बहिया गहरिया मालिन की तब मकर न कही सुनाए कह और दिल चाहे सो कीमत ले ले जा गोरी से दिए मिलाई और हंस के मकरंद बोलन लागे गोरीधन सुन ले यार जहमार और लौटत डोली मेरे आंगन में मालिनी मोको दिए मिलाए राजन के राजकुमार और बहनी की जाई मेरे घर आई राजन सुन ले यार जहमार हम कर शिकायत तेरे बबुला से बदन की देवे खा लौड़ाए और भजे महोबे लो न बचे कौआ मरे हाल ले जाए हम देख मेहरियन को मोए ही पर घर बने बिरानी नारी और प्रीत की रीत अरे जनराली राठौर ठौर मिलन को नाही खंडा पे फुलवा बत के अरे द्वार अरे हो न हार सो हो के रही है हम फुलवा को ले निहारी और ठाड़ो देखो बहनो तिनको तब फुलवा ने कही सुनाए बैठो गोरी रतन पलंग पे काय को घूंघट रही मरोरी तोरी फुलवा बैठी उदल दिल में करे विचार शायद ब्याह हो नरवर में तो मोए दे ताइनो मार बन के जनानी मेरे अट्टा पे बैठे हते पिया भरतार आखिर पैदा छत्री वंश में नामी वंश बना फरलाल पाए छोड़ के उदल राना बैठो सिरहाने बजाई आंखों में खून के कतरे लेकर फुलवा बोलिए नालायक ये तुम्हारी क्या बदतमीजी एक मालिन की लड़की होकर तुम सिरहाने बैठी लेकिन हिरिया कहने लगी मालिन बहना मेरी बात सुन ले राजा यारे राजा परिमाल और है व्यवहार रे राजन में बैठी रही पलंग पे जाई फुलबा सोच रही दिल अपने के कहूं होई लोहरवा भाई और बन की जनानु मेरे घर आओ मालिम पड़ता उदय सिंह लाली और बहुत देर अट्टा पे हुई गई तब उदल ने कही सुनाए और जल्दी लौटो फूल बाग को मालिन सुन ले अर्ज हमारे और तब फुलबा बोलन लागी बहना पन्या पर तुम्हारी बोली आज ब्रम जा मेरी अटिया पे भोरे लौट बाग को जाओ हम पूछ
से हकीकत गढ़ महुबे की मालिन हमको दिए बताई। फुलवा बोली हीरिया मालिन से, बहना तू तो बगिया को लौट के जा, जैसी तेरी बहन होते ने तैसी मेरी बहन होते ने, आज रात मेरे अट्टा में छोड़ दे और सवेरे हम जाए बाग को भेज दिए, पूरी रात हम जासो कुछ बातचीत तो कर लिए, महुबे को हाल भी पूछ लिए। अरे राजा की बात, अब जवाब कैसे दे मालिन। मालिन लौट के तो चली, और पेट में सोसा मालिन लेके लौटी फूल बाग में जाए। इत फुलवा बोलती है उदल से, बहनों तिन सुन अर्ज हमारे, बोलो बोलो क्या पूछना चाहती हूँ। तो फुलवा को कुछ शंका हो गई, क्या बोली फुलवा। ये चढ़ा उतारू दोनों मुरवा कमर चीते की नहार, और चोड़ी छाती से रज कैसी आंखें मृगा की उनहार, ठेठ चमक रही हाथन में पंजा गहे रही तलवार। तीन सुन अर्ज हमारे, और तू नाई नारी है बिचारी काउ राजन को राजकुमारी, और चातुर लड़का देवे बालो लई ओठन पे बात बनाए, फुलवा रानी परमसियानी बहना सुन ले अर्ज हमारे। परमाले सरदार और बाग नौ लखा ब्रह्मानंद को ऊंचे पर्वत पे एहराए, मैंने करी सिंचाई फूल बाग में तासो मुरबा गए मोटाए। जब फुलवा ने उदल की इन बातों को सुना तो ध्यान रखना, अभी तक फुलवा को ये पता नहीं कि ये मर्द है या औरत। तो औरत समझ के फुलवा उदल से क्या बोली, बहना एक बात बता। क्या? आज फुलवा कहती सुनो मेरी सजनी, साचो कहो कन बज को हाल के लड़का है तिलकाजू के, उनकी कहां कहां ससुराल। उदल बोले तब फुलवा से, लाखन एक अकेले अलाल लाखन ब्याहे गढ़ का गोरे में, राजा काम साई के द्वार। और के लड़का है सूरजावती के, बुझन लगी थी फुलंदे नारी। उदल कहे सुनो सुरजा के, भैया दुए मलिखे सुलखान। और मलिखे ब्याहे ते कोटक सौदी, राजा गज राजा घर जाए, मोतिन तुलिया नारी गज मोतिन, सोमल खानन लई ती विवाह।
हर लाले जा घर घर तिरिया जादूगरनी घर घर परत इंद्र को जाले और फुलबा बोले तब उदल से मालिन सुन ले अर्ज हमारी कहे और के लड़का है दिबला बत के उनकी कहां कहां ससुराल सोई हंस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार आला उदल राजकुमार आला ब्याहे नैनागढ़ में राजा हंस राज के द्वार फूलन तुली नार मछलावती ब्याही मंडली के अवतार ठाकुर घूमत गलिया नकेरे मैदान और कहते दुलारी मोती मलकी मालिन सुन ले अर्ज हमारी और काये को कुआरे उदल घूमे बहना सांची यदि बताए अब हंस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार सुंदर बिटिया नाय लख पाई तासो कुआरे बना फर लाल जो तो सी फुलबा कौन लख लेबे जबरन लेबे हमारिया डार पैया में पढ़ू तुम्हारे हम नौ दिन व्रत रहिया दुर्गा को केवर मिले उदय सिंह लाल तेरो के सुनाते मैं लागत है लोहरो देव कुमार को लाल कही दी जोरे उदल से फुलबा बैठी मसो सामार काए कुकुआरे महुबे में डोलो बासैली जो भमरिया डारे उदल बोले तब फुलवा से ओ फुलबा से नाते को देवर लगे हमारे और जो तुम कही कहे हम सोई और दुई अगरी देवे लगाए जाते ही तो खदे उदल को नरवर बांध आवे तलवार बिना लगुन और बिन टीका के चढ़ के साथ ले दरबार अभी तक राम शरण जी ये पता नहीं कि उदल तो जाइए फुलबा पूछने लगे अच्छा एक बात और बताओ क्या कैसी सूरत को उदल है ओ कैसी सूरत को उदल है बहना साची दिए बताए तब हंस के उदल बोलन लागे फुलबा सुन ले अर्ज हमार मेरी ये सूरत मेरी ये मूरत लोहरो देव कुमार को लाल तुम
तुम जा जनियो मन अपने में बैठी पास उदय सिंह लाल। ध्यान रखना बात पूरी कह दी मगर फुलबा को यही पता नहीं कि नाटक क्या है। बात बदल के फुलबा बोली बहनों तीन ते कही थी सुनाए कह चौसर खिल जाए अजु अट्टा पे देखे को जीते अजु हाले। और हम जीते तो जान न दिए हारे चले संग तुम्हारे और मिले महोबे में जब उदल बासों दी जो भमरिया डारे। चौसर बिछ गई सत खंडा पे बैठो देव कुमार को लाल और काने तीन परे फुलवा के उदल लीनी पिसार उठाए। और मनिया सो मेरे महोबे बालो लीलक देव कली नर क्यार कै पांसे फेंके दे उदल ने बारे आज गिरे लहराए। झपट कलाई लई फुलवा की उदल कहन लगो हर साहेब और जल्दी चलियो गढ़ महुवे में देवर की जब नौयवनारी। और होश बिगड़ गए तब फुलवा के लीली लार बेट ना जाए और लई अभिजनिया मोर पंख की और बहनों तिन कई सुनाए। और लेटो बहना रतन पलंग पे भोरे चले महोबे गाम और उदल सोवे रतन पलंग पे फुलवाए चकर कर बियार और चले पछैया और पुरवैया थम थम चले बमोरा व्यार। और उड़ो घागरो जब उदल को बहन जांगिया लखो अंगार और हाथ फेंक दो जब फुलबाने खाली गहने लई निकार और साची जान लई फुलबाने जू देवे को राजकुमार। और रसाले के आज फुलबाने बांधो दस राज को लाल और हाथ कटारी फुलबाले के लंबी जबर दई ललकार और भजन बचियो गढ़ महुबे में यो देवे के राजकुमार। उदल जानी मन अपने में हुई तो गई गजब की बात हम जाए बाड़े पे महुवे के मटिया परी विदेश आए और बदन कसो पलिंगा पे देखो उदल गौ सना को खाए। और तम को उदल जब पलिंगा पे रस्सा टूक टूक उड़ जाए और दई ललकार आज फुलबा को बिटिया सोनो बघेले राय। कैसो नाहर विरन तुम्हारी मेरो नाए बैंदुला बूढ़ो पर गो नाए बलुखाई गई तलवारी। मोया सब्या हकी अब नाई है अटा में मरे कटारी मारी हम मारे दे तेरे भैया को जावे लासम होवे प्यारी। और खुद हवेली खाइन कर दे पक्को ताल दिए बनवाए। सोई हंस के फुलबा बोलन लागी परम सने पिया हमारी मिन करी मस करी ती अट्टा पे ओ देवे के राजकुमारी। बहनारी फुलवा अपनी बांदी से बोली ओरी बहनारी आज रसीलो घर में आई गौ है जैसे होले होले लिए
बतराए और सुन कुइया आज छबीलो घर में आए गौ है जैसे हौले हौले लिए बतराए और मेरी बहना इधर जैसे ही फुलवा ने उदल को पहचाना है तो उदल के गले में बहिया डाल के फुलवा बोली पिया मेरी एक बात सुन ले आज फुलवा रानी परम सियानी गले में बहिया दईती डारी और हिलकिया भर भर रोवन लागी मोती मलती राजकुमारी मेरी क्यों सुध बिसराई प्रीतम निकम्मो को साची दियो बताए हम रस्सा डाल दे अट्टा से और भज चलो भोरारी राती और भारी भैया है मकरंदी लड़के जी तो न पिया हमारी और गढ़ महुबे की जाय गलियन में प्रीतम लियो भमरिया डारी बैठो पद्मिनिया नार कै मेरे बाह बखोरन ना घुन लागो ना बल खाई गई थी तलवारी और जब तक कंधे पैरे सिर रही है बजे है मोहरम पैरे तलवार हम लाल भराई तिले की डुलियाली है पद्मिनी नारी आंखों में आंसू लेकर फुलवा बोली किया हमें तुम्हारी बात में कोई विश्वास ना उदल बोले क्यों तो जवाब दो सुनो हम माल हो जन्मी जम्मे घर में बेजमा पढ़ो तो नाम हमारे और जुगिया बन के उदल पहुंचे बाही माल हो के मैदान मैंने भेद बताए दो माल हो को सबरो कुरमा दो मरवाए और तो आस भैया ना पूरी मड़े ते डारो तो हमको मारे और वीर मल्हारो सिर सा वालो मारो हतो मरद मलखाने जब हम मरन लगी ती मड़े ते तो तुम रोए ते आंसू डारे हम बोली थी तब उदल से परम सनेई पिया हमारी और रोए ते प्रीतम कछु नाए मिलिए हिम्मत बांधो सासु के लाल मैं जन्मू जाए के गढ़ मोहरम में फुलवा बजी है नाम हमारे तुम काबुल जाओ खरीदन घोड़ा बीच में हुई है भेंट हमारे आस लगाए हम बैठी थी सो दिन गौ तो मूढ़ पे आए अब देर करन को मौका नाही महुबे को जलद हो तैयारी गंगा खाई तबऊ दल ने बाई नरवर के मैदान एक महीना की मोहलत दे दो बाद में लिए भमरिया डारी इन्हीं बात न के यार सामे रवि ने दई ती किरण पसार कई और उदल उठ गए अट्टा पैसे तोलो मालिन गई भेराई
कही सुनाए कैल और करो तैयारी अब चलबे की वो उरही के सरदार सोले खच्चर भरी या सरपी शमहरम में दई गमाए ढेबा बोले तब उदल से ओ ढेबा बोले तब उदल से ओ देवे के राजकुमार और पूछे हिसाब जब राजा परमाले तब का दियो जवाब सुनाए सोई उदल बोले तब ढेबा से दादा पन्या परे कुम्हार बन बीमार पड़े पीनस में तो ले चलो महोबे गाम सोले खच्चर माफ करावे सोले और ले भरवाए तब हम बोले मंडली कसे दादा पन्या परे तुम्हारे नौजवान साथियों उदल बीमार बनकर पीनस में लेट गया जिस वक्त ढेबा उदल को लेकर महोबे में आया है घर घर में ये खबर फैल गई काबुल गए खरीदन घोड़ा भय बीमार उदय सिंह लाल और दशा देख के रन बंका की देवे ने छोड़ दई डिडकार मेरे बिगड़ बुढ़ापो गौ दुनिया में बेड़ा कौन लगा व्यापार और आल्हा आई गए ड्यूढ़ में रोबत देव कुंवर के लाली और खबरें हो गई सब महुबे में क्या बीमार उदय सिंह लाल और रैयत रोबे पर माले की अब हम कौन दे सकूं जाए और राजा परमाले मलहना बत पहुंची दस पुरवा में जाए और लौट उघार लखो उदल को मलना छोड़ दई डिडकार और भुजा पकड़ के रोवन लागी अपनी छोड़ छोड़ डिडकार और तेरी दमलो नगर महोबो आठ किला कली नर क्यार और तेरी दम पे उदल छैया बामन पूज दई तलवारी और वाल हगर जब मनु घन तरज बिजली तरज तरज रह जाए चर के बेटा मंडली कद म्यान से खेच लई तलवारी और जर के बोलो परमाले से राजा महुबे के सरदार और नेक बदी उदल को हो गई हम ब्रह्मा को दिए मरवारी सोई रोए के राजा बोलन लागे बेटा मंडली कयो तारी और कोखित जन्म लो देवे के पालो हतो मलहंदे नार और काकु प्यार हतो मोयू दल बेटा सुन ले अर्ज हमारे तब ढेबा बोले परमाले से राजा सुनियो अर्ज हमारे हम सोले खिचर भरी सरपी सब बेदन को दई खबाए और नया राम भऊ दल को है बीमार लोहरवा भाई और तब परमाले बोलन लागे ढेबा उरही के सरदार हम सोले खिचर माफ कराई सोले और ले भरवाए पर काऊ धब से बेटा उदल को ढेबा तुम लियो बचाए और सुनी बत कई परमाले की पलगा भे मंद मंदम सिक्या है और उद
बदल सोचे मन अपने में कर दई माँ फुरजा परिवार इधर तो नौजवानों पूरे दस बुरमा में तहलका मचा है। इधर मंडलीक ने पत्र भेजकर सिरसा से मलखान को बुला लिया। जब मलखान की रानी गजमोतिन उदल के पास आई, नवज को पकड़ो राम सरण, नवज तनाटन बोले लेकिन उदल आंख न खोले। रानी गजमोतिन ने क्या किया, देवी शारदा की रे मठिया में रच दो हवन रे पद्मिनिया नार। अरे आभा बोली ती जगदम्बा की गाय को सोबत में दौरी जगाए। रोए के रानी बा बोलन लागी मैया पैया मैं परूं तुम्हार। काबुल गए ते खरीदन घोड़ा बह बीमार रे उदय सिंह लाल। उदल मर जा मैं दस पुरबा में आला पेट रे फाल मर जाए। ताके गम में मेरो पिया मल्हारो अपने हनिये जा बजुर कटार। कौन सी मरज है मेरे दिवरा को मैया सांची मोई दीजे बताए। तब हंस के शारदा बोलन लागी बिटिया सुन ले तू अरजऊ हमारी। काबुल गए ते खरीदन घोड़ा रुक गए नरवर के अरी मैदान। घोड़ी खरीदी नरबरगढ़ में राजा मोती मल के द्वार। नैन कटारी की अरी बीमारी लगी फुलवा के महल रे मझार। फुलबा प्यारी के देख नहीं तो मैं उदल डारी है ना करी छेदार। एक महीना कोई न को वायदा है के बसुलिए भमरिया जे डार। सो ढोंग जे करे रन बंका नाई बीमार जूदे सिंह लाल। नौजवानों इधर जैसे ही गजमोतिन ये सुना है एकदम लौट कर जब उदल के पास आई, दोसाला को झटक दिया और आंखों में खून के कतरे लेकर बोलियो, उदल यू नकटोरो हमें तुम्हारा कतई पसंद न है। तेरे बाह बखोरन में का घुन लग गयो काबल खाए रे गई तलवार। अरे फुलबा प्यारी के देख नहीं त दिवरा बन गए मरद से तुम नार। हम अब है बोला में के पिया अपने को कोड़न सोले बेखाल उख जाए। तब कपी गई पिंडुरिया रन बंका की
धधका लगो है करे जा में जाए। सोई उठ के या बैठ गओ रे पलिंगा पे बाब जपैया में पर जाओ तुम्हार। मैंने वायदा करो फुलबा से मेरी मर जादा है तुम्हारे हाथ। के तो ब्याह हम करे फुलबा से के मर जावे कटारी रे मार। तब गजराज सुता हसी बोली दिवरा सुनियो बना फरलाल। गजमोतिन कहने लगी अगर तुमने फुलवा को देखो तो जो सब खानदान को या परिवार को नखटोर का के लिए दिखाओ। उदल कान लगे तो हम जानता थे कि सब लोग इतने परेशान हो जाएं। अब भाभी जो कुछ भी करो तुम कर सकती हूँ। इतमे रानी के गजमोतिन ने और मलिखान को लौरे बुलवाए। खास बंद त्यार अब बीमार है सैया पैया में पर जाओ तुम्हार। आज बचा ले तुम उदल को ओ सासुल के राजकुमार। मलिके बोले के गजमोतिन से मेरे प्राण रहे चाहे जाए। प्राण जो देखे के उदल बच जाए तो हम शीशकों करे न्योछार। तब गजमोतिन बा बोलन लागी स्वामी सुन ले वो अर्ज हमार। रामे में कछु घामो नाई उनको फेर रे देव व्यवहार। उनने बिहाव तुम्हारो कराओ तुम उदल को जो ले वो बिहार। करो बहानो हतोरे काबुल को फुलबा देखी ती महल मझार। एक महीना को वायदा करके भय बीमार रे उदय सिंगलाल। हामी भर दई के ओलखे जी ने उदल उठो तो भरा रखा। दोनों भैया जा मिलके भेटे आंगन हंस रहे थे भुजारे पसार। जैसे ही मलखान सिंह ने उदल को इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं गंगा की सौगंध खाकर कहता हूं अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो नरवर के मैदान में जाकर हम तेरी शादी फुलबा के साथ करेंगे। लेकिन पलंग से उठ, उसी वक्त उदल उठकर मलखान को साथ में लेकर ये राजा परमाल की सभा में गए हैं और खुले शब्दों में ये जवाब दिया है कि हमें उदल की शादी करने के लिए फौजों की जरूरत है और मोहरमगढ़ में मोतीमल के दरवाजे पर हमें युद्ध होने की भी शंका है, इसलिए फौजें तो ले चलना जरूरी है। राजा परमाल ने इनकार भी किया लेकिन मलखान ने नहीं माना। और ये सभी महोबे वाले जवान ये जब बारात लेकर चले हैं तो आला का लड़का इंदल बारात में चलने के लिए मचल गया। उदल ने कहा बेटा ये बात तो अनरीत की है, दुनिया वाले लोग हंसेंगे कि बाप को लड़का विवाहने के लिए जा रहा है। उसी वक्त आला ने जब देखा कि इंदल उदल की बात नहीं मानता है तो गाल में तमाचा दिया। तमाचा खाकर इंदल वहां से चल तो दिया लेकिन बोला
आज रोए के इंदल बोलन लागे चाचा सुनो बना फरलाल और मारे तमाचो दम महुबे में यो देवे के राज कुमार हम मर्द सराये दो भैयन को आल्हाऊ दल राज कुमार और बिना इंदल सी के मोहरम में जो तुम ले वो भमरिया डारी जाद नया बे इंदल बेटा ताई दिन लियो भमरिया डारी और मधुर बचन उदल हसी बोलो इंदल सुन ले अर्ज हमारी हसुआ को डरु नहीं बेटा सुनो परे ना लाल कै और दुनिया हसे आज शादी में के बाप को पुत्र बिहावन जाई यारो ऐसे अब समझाए लाल पीछे बगदाओ है भैया ऐसे अब समझाए कुमर पीछे लौटाओ है मेरे नौजवान साथियों बामनगढ़ के नरेशों को साथ में लेकर ये सभी महोबे वाले जवान मोहरम में पहुंचे हैं। रात्रि भर इन्होंने अपने शिविर में आराम किया और सुबह ही राजा परमाल के अधीन जो आला थे इन्होंने तंबू में बीरा डाल दिया और ये जवाब दिया जो सबसे पहले शादी की सूचना राजा मोतीमल को करेगा उसे मैं 5 गांव इनाम दूंगा। लेकिन हुआ क्या लोगों, आज 5 घरियां बीरा को हो गई बाकी अपान गए थे को मिला भारी राजा मोती अमल है जाकी अब विकट छलत तलवारी और कोई कोई चल दे जंगल झाड़े कोई कोई चले थे कुठरिया नु जाए सुन सान बंगला में जो हो गई नहीं मसो तलक भन्नाई और आल्हा गरजे जब दंगल में मन घन गरज गरज रह जाए जा बीरा पे पथरा पर गए अब का हम ही गहरे तलवार लाखन राना है मर्दाना दानादार कनौजी राय उठ के लाखन ठाड़े हुई गए तब सैयद ने कही थी सुनाए जे तो कम नाई अबारी के सुनियो कुंवर कनौजी राय लाखन बैठ गए ते तबुआ में सन बंगला में जो हो गई तब आल्हा ने कई थी सुना कै रूपन बारी को तेरो है जो है नाई महोवे क्यारी आला कहे सुनो भाई रूपन तुम मोहरम को हो तैयार सोई रोए के नाई बोलन लागो आला मंडली कयो तारे और जाले अपनी चूरा साकर जाले उधरिया ढाल तलवार और हम मर जावे बा मोहरम में घर घर नाइन फिरे हमारे
मेरे पारे भटकिए गड़ महुवे में कोई अवनी रूपे वैया नाए आला जर गए तेरे तमुअन में तच रूपन ते कही ती सुनाए मलमल मारिया ती महुवे में अब प्राणन को करत बचाओ सोई ढेबा बहिया गई आला की बोलो मंडली कयो तार हाथ छोड़ियो जो ने गिन पे इज्जत घटे बना फरलाली और उदल भैया की ये पन हमें अब महुवे में दिए रे पहुंचाए सोई रूपन बोले तब ढेबा से हम चलबे को तैयारी और घोड़ा बेदुला उदल बालो उदल बाली ढाल तलवार और जल्दी दे दो हमको आला हम मोहरम को हो तैयार और ढेवा रूपन दोनों चल दे पहुंचे मोती मल के द्वार और मोती मल की आज बैठक में तबला ठुमक ठुमक रह जाए और हाथ उठाओ जब ढेवा ने तबला ठुकत बंद हो जाए और चढ़े बाज पे देखो जवानन भड़ुआ भज गए फाड़ कनाक और भर भर भजी पतुरिया मरदो सुनियो अरज हमारे आँखों में खून के कतरे लेकर राजा मोतीमल बोला नालायक तुम्हारी इतनी औकात बोलो कहां से आए तुम एकदम ढेवा कहने लगा तुम्हें नहीं पता है ओ नगर महोबो एक बस्ती है जहां पे राज करत परिमाल और उनके नौकर आला उदल जिनकी विषम बजे तलवारी नाम सुनत खनकर महुवे को राजा फूल बम हो जाए और बिटिया जन्मी पर माले की मोघर टीका दो चढ़ाए तब हंस के ढेवा बोलन लागो राजा सुन ले अर्ज हमारे और बिटिया जन्मे ना महुवे में उन घर से रले तयो तारी और आला को भैया छोटो उदल मोहरम बांध के आओ तलवारी और उदल ब्याहन को हम आए राजा सुन ले अर्ज हमार कई और कहां पे एपन हम धर देवे हमको दीजो ठोर बताई और ऐसी बानी तो खकिसानी सूखी गई कलेजा चाट और हुकुम फेर दो मोती मल ने मारो आज जवान सरदार और उठे सिपाही मोहरम वाले ले ले हाथ ढाल तलवार और तेगा चटके पर दबान को चटके चित सूर मन क्यार और ढेवा रूपन दोनों रूरे जैसे लाई करे किसान और धरे हरैया जब पूरब ते और पश्चिम में देवे लगाए और धरे हरैया जब उत्तर ते दूर दक्षिण में देवे लगाए और जितने छत्री मोहरम वाले ढेवा काट करे आप मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ढेवा रूपन मोतीमल के दरवाजे पर ये शादी का संदेश देकर लौटे हैं इधर राजा मोतीमल के हृदय में हलचल मच गई कि जिनके घर में नाई लोग ऐसे बहादुर हैं तो वो छत्री किस तरह के होंगे इधर ढेबा रूपन जब डेरों में पहुंचे हैं जहां पर आला का शिविर लगा है जाकर मोतीमल के दरवाजे का सारा हाल कहा इधर राजा मोतीमल ने महोवे वाले जवानों से लड़ने के लिए अपनी फौज में बीरा डाल दिया तो मोतीमल के छोटे लड़के सूरज ने
युद्ध करने का संकल्प किया और फौजों को सजाकर ये बहादुर लड़का युद्ध के मैदान में उतर आया। और हुआ क्या लोगों, फौजी युद्ध के मैदान में लगा दी और महोबे वालों के लिए खत लिखा, अरे सीधी सीरी सबलाजी कहो, सबलाजी कहो तुम सूर महोबे के तपधारी। लड़बे की इच्छा जो होई तुम्हारी के होई तुम्हारी तो युद्ध किया ज करो रे तैयारी। जितने आए गढ़ा महुबे से गढ़ महुबे से अब एक ही संग गहो सरदारी। लिख रही तीर सूरज ने और डेरा न को दई थी पठाए कै और बाची पाती धड़की छाती गरजो सिरसा को सरदारी। और फिर गर्दना नाहर कैसो चितो सिरसा को मलखान और फौज साज गई सिरसा वाली पहुंचे खेतन के मैदानी। और बंदोबस्त लश्कर को करके बोलो सिरसा को रे सरदार। और कौन सो लड़का मोती मल को सो निकारे सामने आई। आगे बढ़ते सूरज बेटा लम्बी जबर दई ललकार और कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खेच दो जाई। एक करी गुलमई चंदे लेती अच्छी जात बना फरलाल और खाली अब हम करो मोहरम की नए घर लाख कोस हो जाई। तज के मलखे बोलन लागे सुनियो कुमर बघेले राई और दुनिया जानती है मलखे को मैं सुअन को करूं हारी। मेरे रोम रोम चाहे गोली लागे बाज हाड़ हाड़ तलवार और जोलो कंधे पे सिर रही है तोलो खेत बजे तलवारी। न डोली लेके फुलबा बतकी और उदल को दियो गहारी और जा मैं हीला जो कछ करियो तो कम खती लगे तुम्हारी। ए बातन बातन बतबर हुई गो राठौर बातन बढ़ गई रार और रार के ऊपर गारी दे दई गारी दे तबजी तलवार और भूखे सिपाही महुबे वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और ये तमे फौजे हैं मुहर्रम की ये तमे महुबे के सरदार और दैया चाल मचो दंगल में कोई काहू को न देत दिखाए और
अल्लाह तोबा करे मुसल्ला हिंदू परो राम से काम। और कोई कोई रोबत है लड़का न को कोई कोई पुरखा न को चिल्लाए। और कोई कोई रोवे मृग नैन न को आज गोनो लाए कराए। और मुख नहीं देख पाओ दुल्हन को अपनों ने दिखाओ नाए। और पहले सावका में आए थे अब घर हुई गौ को सहजार। और जो बच जावे समर खेत ते बच ही और देश में जाए। सूरज बोले है मल खेते सुनियो सिरसा के सरदार। और दुई दुई रुपया के नौकर है नाहक डरे है मूड़ कटाए। और हम तुम खेले रन खेतन में देखे किन पैरा मुरसाई। मारे ती सूरज की काटी सिरसा के सरदार। और अनी हमारी मैं नहीं बचियो सूरज सुन ले अर्ज हमारी। घोड़ी कबूतर सर गौड़ाई नहर सिरसा के सरदार। और मने आई गई तब मलखे के मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। हमारे दे सूरज को उदल दे बताइनो जाए। और अच्छे बिहा में तुमको लाए सारे कुंडारो जान सुमारी। और माल तुनाए है आज सूरज को कावा दे तखेत में जाए। और सूरज पिल गौ अब फौजन में अपनी नग्न करे तलवारी। खड़ गए महुबे बाल न के ले ले के भजत पिरान। और खबरें पाई थी उदल ने बिगड़ी यानी जरे मलखान। और घोड़ा बेंदुला को सजबाओ रन को कंकन धरो उतारे। और जलम जलैया दिवला छैया आई गो खेतन के मैदान। और एक बेर के धर के झपटो लो सूरज को शीस उतारे। कट के शीश गिरो धरनी पे लोथ जगिरत खेत में जाए। और अनी बिछल गई मोहरम बाली छत्री भग गए इधर मेरे नौजवान साथियों। जैसे ही मोतीमल के लड़के सूरज को मारा है उदल ने जाकर अपने दादा मंडलीक के पैरों का स्पर्श किया था। जवाब दिया है दादा तुम्हारे प्यार के कारण मैंने दूल्हा बने हुए होने के बाद भी युद्ध का मैदान जीत लिया। आगे की तुम जानो। मकरंद ने जब सुना कि मेरा छोटा भैया युद्ध के मैदान में मर गया तो भैया की धमनियों का गरम गरम लहू बल गया। आज मैया मर गए दुख उपजत है बबला मरत भरम हो जाए। और तिरिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छुट जाए। और सुनिया हकीकत रखे तन की मकरन छोड़ दैया डिडकार। मेरो खास कन्हैया मैया वालो मारो तो आज बना फरलाली। शंकर जी की आज मठिया में मकरन दो तो हवन रचाए कै। आभा बोली महादेव की मोती मल के राजकुमारी। सुख किया निदिया में रसोबत देखा है कुतुमने दो तो जगाए। तब मकरंद बोले शंकर जीते भूला पन्या पर तुम्हारी। फौजे महुबे बालिन की नरवर केरे मैदान। मेरो खास जू भैया मैया वालो जू जो समर भूम मैदान।
कैसे जीते महुबे वाले नो भोला साची दियो बताए। तब ही शंकर बोलन लागे बेटा सुन ले अर्ज हमारी। तुम बरदानी खास हमारे बेबरदानी शारदा प्यारे। और लड़े न जीतो तुम आल्हात चाहे सात साकिलो जाओ। और बेशक फुलबाऊ दल ब्यावे बेटा पैया लगो हमारे। हम भी सबार तो जिंदा करें बाई खेतन केर मैदाने। और जा दिन लड़बे इंदलिया बे तब न पर है पेश हमारे। फिर बुते हमारे की नाई है तेरे कहे देते हैं जाए। सुन सुन बातें शंकर जी की एकदम पिंडी लई उखारी। और सो अब फेंक दई खंदक में तुम सब सीरो देह कमझारी। और होनहार सो हमको हुई सत के बीच श्री भगवान। और फौजे सज गई मकरंदी की पहुंचे सम रखे तवे जारी। को डंका मकरंदी ने अब खेतन में दो बजाए। और लाखन राना करमज बाले अग्नि बन सके बेचौहानी। और कनबज और दिल्ली बाली ने एक संग बांध लई तलवार। और जाए घेर लव मकरंदी को छपका बजर लगी तलवारी। और लाखन राना है मर्दाना दाना दार कनौजी राही। और खास मित्र उदल के लागे लव मकरंद को शीश उतारी। के सी सुगिरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्यारे। और जिंदा हुए गौ जब मकरंदी फिर के जबर दई ललकारे। और ताहर बेटा पृथ्वीराज के कस के जबर दई ललकारे। और एक बेर के धर के झपटो लव मकरंद को सी सौतारे। सगरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्यारे। और दांत तले सब उंगली दाबे धन धन मकरंद से उतारे। और तीन बेर जू मरो खेत में कैसे जिंदा दो बनाए। और मानुस सो तो मानुस लड़ी है को भूतन सो करे तलवारे। पांच बेल जा सीसो जो काटो मकरंद खेत गिरत भैरारे। और छक्का छूट गए ज्वानन के हिम्मत काम देती है नाय। और पैरों खड़ गए महुबे बालिन के ले ले के भजत पिनार। इत पिलो काईया मकरंद ठाकुर लंबी जवर दे तललकार। और लाखन राना चोड़ा धांधू ताहर के दिले करवाए। और तुरंत भेज दे गणधर बर को सो भक्ति में दे डराए। इत खबरे पर गई मंडली को के बिगड़ो दुखे तो हमारे। और सिर सावारो वीर मलहारो एकदम बांध लई तलवार। और मकरंदी के जाय मोहरा पे अपनी जबर दई ललकार। और तब मकरंद कहे होदा में सुन ले सिरसा के सरदार। और मेरी मैयन ना हर जाए मैं नहीं बांधे कनौजी राय। अच्छा भी रस गो दे ही मैं भर गए रोमा
करो हनुमान और एक बेर के धर के झपटो ना हर सिरसा को मलखानी। ओ कट के शीस गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्या और पेट में पानी मलखे ठाकुर के होई गौ तो खेत में जाई। चबेर जा सीसा को काटो ना हर बच्छरा जके लारे और जोरो हाल सीस संकर ने मर दो सुनियो यार जहमारी। और पाने जीता सेल सनीचर सो मकर नने लो दो ठारी और कस के बान लगो मलखे के धरनी गिरे तमारो खारी। मलखे की जब मकरंद कैद लाए ते करवाई और कैद ज करके सिरसा बालो दो जेल न मैं आज डराई। और एक हर कारा भाजत आवे आला मंडली कयो तारी और मलखे बन गए रन खेतन में फौजे और दियो पठवाई। बानी तो किसानी सूखी गई थी कलेजा खाली और चढ़ गो जो सरोस भरियाओ उदल उठो भरा रखा। और धर दो बाना सब दूला को रन को कंकन लाओ समारी और बाज बेंदुला को सजवाओ लोहरे देश राज के लाली। जहाँ पे मुरचा मकरंदी को उदल जबर दई ललकारी और कहाँ पे नहर है मकरंदी अपनी सकल दिखावे आई। तोलो मकरंद गौदल तैसे कहा तू बघेलो राई और रन को कंकन हाथ में देखो मकरंद हाल लो पहचानी। दूला बन के आए का बहनोई लगो हमारी तब उदल बोले मकरंदी से हम बहनोई लगत तुम्हारी। मकरंद सोचे मन अपने में होई तो गई गजब की बात और दूल्हा मर जाए जो खेतन में महुवे को लौटे आज बराती। चोट अपनी मकरंद कर लो ना फिर स्वर्ग बैठ पछताओ और जितनी मारे मकरंदी की काटी दे सराज के लाली। और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो शीस उतारी और कट के शीस गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्यारे और एकदम घर जो है होदा में उदल को जदई ललकार और फिर गर्दना ना हर कैसो गर जो देव कुमर को लाल और दांती पीस के तेगा मारो एकदम शीस गिरत बहराए और पांच बेर जा शीस को काटो जोरो हाल दिगंबर राय। पर धन धन ठाकुर यो मकरंदी तो समसूर और कोई ना है और पान अजीता लो मकरंदी और उदल पैदो चलाई। और जाए के पान लगो छाती पे उदल गिरत धरन भेराई और मकरंद सोचे मन अपने में के जाए के दिले करवाई। पर घोड़ा बेंदुला चक्कर काटे पास नया बे बघेलो राई और डर के मारे मकरंदी ने सबरी फौजी दई लौटारी। इधर मेरे नौजवान साथियों जैसे ही उदल बेहोश हुए हैं इधर ढेवा भागकर महोबे में पहुंचा है और वहां से जब इंदल को लेकर ये चला है। इंदल जब नरवर में आए हैं तो इंदल और मकरंद का फिर संग्राम छिड़ गया तो हुआ क्या नौजवानों।
आज इंदल मकरंद दोनों गाय गए, लड़ रहे समर खेत में जाय। उदल छैया दिबला बालो, फिर मकरंद को दो तो मरवाए। नौजवानों, एक बार ही नहीं, उदल और ढेबा ने 5 बार मकरंद को फिर युद्ध में मृत घोषित कर दिया, लेकिन शंकर जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। और यह नाटक राम सरण जी इंदल ने देख लिया। इंदल ने क्या किया? और इंदल गरजत शंकर जी पे, टुकरा दी है जाने सो मारे। ए भजे दिगंबर रन खेतन ते, इंदल उनके पर तपिछारी। नौजवानों, इधर इंदल को युद्ध के मैदान में आता हुआ देखकर शंकर जी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं, और ढेबा और उदल इन दोनों ने मकरंद को कैद कर लिया। इंदल ने जवाब दिया, चाचा जी तुम मकरंद को कैद करके नरवर में लाओ, और तब तक मैं जाकर महोबे के जितनी जवान है उन्हें कैद से वापस बाहर निकालूं। इधर तो ये दोनों मकरंद को लेकर चले हैं, उधर इंदल ने रानी फुलबा के अट्टा पर जाकर क्या किया? फुलबा रानी के रे अट्टा पे, इंदल चरण छुए भैराए। और हम है बेटा मंडली कते, चाची पन्या पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक महुबे वाले, चाची हमें दियो बतलाए। और किले पिछारू चुंगिल दाहक, सब फुलबा ने दो बताए। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे इंदल उस दाहक पर पहुंचा है, पहरेदारों को युद्ध में परास्त करके इसने महोबे वाले जवानों को कैद से वापस निकाल लिया। राजा मोतीमल से ये शर्तें तय हो गईं कि हम अब फुलबा की शादी उदल के साथ कर देंगे। और माहिल पहुंचे मोतीमल ते, कान में दई जब बात सुनाए। और लड़े न जी तो बना फरन से, चुप का दे भमरिया डारी। मोतीमल ने तब आंगन में और मंडप कुदाओ तो गढ़वाई। और भाई लड़ाई ती मड़े ते, भामर भामर पे तलवारी। सातो भोरिन तेगा बाजो, मड़े बई ती खून की धारी। और डंड बांध के मकरंदी के, फुलवा की सात लई डरवाई। लेके फुलबा बत की, महुबे को कूच दो करवाई। महाराज सुनाई सब आला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माफ कसूर। काऊ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली।